प्यारा सवाल है। और टेंशन निकालनी है, इंस्टेंट वगैरह टेंशन भी है। ये T2 है, ये T1 है, यहाँ 60 डिग्री, 30 डिग्री और मास जो है 20 है। अब इसकी बड़ी अच्छी ट्रिक क्या, देखो कि जैसे कि T2 है 60 है ना, cos 60 होता है, इसको आप हमेशा अगले के इसके इक्वल करो। अब साइन में खेल उल्टा होगा, T2 साइन 60 प्लस T1 साइन 30, ये एक तरफ होगा और दूसरी तरफ क्या होगा इनका भी वेट बोले तो 20 मल्टीप्लाई बाय 9। मेरे भाई बहुत है मन, बहुत ही कि यार ये जो ऊपर की क्वेश्चन थी T2 cos 60 बोले तो T1 cos 30 बोले तो ये कैंसिल होता, यानी T2 इक्वल टू अंडर रूट 3 का सिचुएशन आ रही है। मेरे भाई यहाँ देखें जो T2 साइन 60 बोले तो T1 ही है, साइन 30 बोले तो हाफ 20 × 9। मुझे जो एक स्टेप समझ में आ रहा है कि 2 ख़त्म करने के लिए ओवरऑल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे कर दें, 2 से, ये अपॉन ख़त्म हो जाएगा दोनों जहाँ पे और यहाँ पे 2 आ जाएगा, कुछ ऐसी बात। अब देखो यहाँ से क्या बचेगा, T1 यहाँ से √3 T2, मैंने बोला √3 T2 तो खुद √3 T1 के बराबर है, √3 T1 √3 T1 = 20 = 2 = 9 बोले तो ये कैंसिल, यहाँ से बोल T1 = 90। अब T2 जो है √3 × T1, √3 की ओरिजिनल वैल्यू 1.73 होती है, 90 से मल्टीप्लाई। अब सोचो कि 100 से मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, 173। ऑफ कोर्स आंसर 173 से थोड़ा सा कम मिला जाएगा, पंगा नहीं रोकते एग्जाम में, जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ऑप्शन ऐसे नहीं रखते कि फालतू में, एक ही ऑप्शन था एग्जाम में जिससे कम था 169.4।